हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आजकल जो 27 अगस्त को बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं यूजीसी नेट का, उनका बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि हमारी जो है एग्जामिनेशन सीटी क्यों नहीं आई है। सभी एग्जाम की एग्जामिनेशन सीटी आ चुकी है। 21 अगस्त से 4 सितंबर तक जितने भी एग्जाम होने हैं सभी सब्जेक्ट की जो है एग्जामिनेशन सीटी आ चुकी है, 27 अगस्त वाली नहीं आई है। तो बच्चों के मन में बहुत सवाल है कि ऐसा क्यों है। तो यदि आप एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर लेते तो आपके मन में ये सवाल नहीं रहता, जो बार बार कंटिन्यू मुझे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि 27 अगस्त को हमारा हिंदी का एग्जाम है और हिंदी वाले बच्चे सबसे ज्यादा मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर ये एनटी की वेबसाइट है, लेकर चलती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखते हैं, क्लिक हियर करते हैं, जहां पर आपको एग्जामिनेशन सीटी पता चलती है। इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ऑल एग्जाम की जो है अवेलेबल है एग्जामिनेशन सीटी। बस जो है 26 अगस्त को जो हमारा एग्जाम होना था, जो पोस्टपोन्ड होकर 27 अगस्त को हो गया, उसकी सीटी जो है अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुई है, उसकी भी जो है जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जहां पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सीटी जो है डाउनलोड करनी है, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, तो वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि अभी 27 अगस्त वाली नहीं आई है। रीजन भी है क्योंकि ये एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हुआ है। 26 अगस्त को होने वाला था, कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो आपका एग्जाम 27 अगस्त को होने जा रहा है। तो यहाँ पर क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी आपकी भी जो है एग्जामिनेशन सीटी आ जाएगी। एग्जाम अपने टाइम पर होगा, 27 अगस्त को होगा। आप अपनी तैयारी रखिए, जैसे ही एग्जामिनेशन सीटी आएगी मैं आपको बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। आप लोग पढ़ते रहिए और जो है किसी भी अफवाह से बचिएगा। आपको कोई भी जो है बात आती है तो आप वेबसाइट पर जाओ, जाकर चेक करो, वहां पर लिखा हुआ है। मैं भी आज जब बच्चों के इतने कमेंट आ रहे थे तो फिर मैंने चेक किया, मैं वेबसाइट पर गई तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो है बस सब एग्जाम की, सब जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं सभी एग्जाम डेट की जो है एग्जामिनेशन सीटी आ गई है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 26 अगस्त, विच इज पोस्टपोन टू अगस्त 27, जो हमारा एग्जाम पोस्टपोन हुआ है 26 अगस्त की जगह 27 अगस्त, उसकी अभी नहीं आई, उसकी भी जल्दी जो है रिलीज कर दी जाएगी। तो आप परेशान मत हो, आपकी जो 27 अगस्त को एग्जाम होने जा रहा है उसकी भी एग्जामिनेशन सीटी जल्दी आ जाएगी, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ, जो बच्चे हिंदी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है आपकी मैराथन क्लास होने जा रही है, यूजीसी नेट हिंदी एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों के लिए। शाम को, आज शाम को 4 बजे क्लास होगी, 6 घंटे की क्लास होगी। इसमें यूनिट 1 टू 5 का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, एमसीक्यू करेंगे, कंटेंट देखेंगे। और साथ ही आपको बता देती हूँ, कल, आज और कल दोनों मैराथन क्लास होगी, कल को यूनिट 6 टू 10। यदि आप ये दो क्लास देख लेते हो तो आपका यूनिट 1 टू 10 का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और खूब सारे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे सारे एमसीक्यू खुद के बनाए हुए हैं और सब एमसीक्यू एनटी लेवल के हैं। ये मैं नहीं, जो मेरे बच्चे जो यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व करते हैं क्लास में, वे बताते हैं कि आपके क्वेश्चन एनटीए लेवल के होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन में पेपर जो के थे फंसते भी है। तो आज शाम को जुड़ना मत भूलिएगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद रिचा पर। शाम को 4 बजे आपकी क्लास होने जा रही है यूनिट 1 टू 5 की, और कल को होगी यूनिट 6 टू 10। तो ये आने वाले जो 2 दिन है, आज और कल, आपके लिए दो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इनसे जुड़ जाइएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है हिंदी विद रिचा, वहां पर आप जो है मेरे से कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है इसी वीडियो के जो है कमेंट कर दीजिएगा, इसी वीडियो में जो भी आपका डाउट होगा मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो अब हम मिलेंगे शाम को 4 बजे अपनी माँ मैथ क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।